नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। दोस्तों, आज हम फाइनेंस सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी कंसल्टेंसी और वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सभी कस्टमर्स को। ये कंपनी 1985 में मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 2.42 करोड़ है और इस स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 5.35 रुपीज़ है और इस स्टॉक का प्राइस टारगेट 10.8 रुपीज़ है और ये स्टॉक 6.72 के पी में ट्रेड कर रही है। दोस्तों, वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट बैंकिंग और एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया और अब्रॉड में। कंपनी के मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में इंक्लूड होता है पब्लिक आईपीओस, ओपन ऑफर्स, राइट इश्यूज, ऑफर फॉर सेल और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और बायबैक्स और डीलिस्टिंग सर्विसेज। ये सब कंपनी प्रोवाइड करते हैं मर्जर और एक्विजिशन सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड होता है पिच डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम्स, इंजीनियरिंग और एडवाइजरी सर्विसेज, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सर्विसेज और कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। ये सब कंपनी ऑफर करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज, वेंचर कैपिटल सर्विसेज, प्राइवेट इक्विटी एंड क्वासी इक्विटी प्लेसमेंट्स और मेनली एडवाइजरी सर्विसेज जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेट रेज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फंडिंग, फॉरेन करेंसी बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और कन्वर्टेबल डेट, ये सब इंक्लूड होता है। दोस्तों, अब हम कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। दोस्तों, कंपनी की सेल्स 35.7 करोड़ से बढ़कर 234 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2021 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.6 करोड़ से बढ़कर 25.2 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2021 तक। कंपनी का EPS 1.2 से बढ़कर 2.24 हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2021 तक। कंपनी का टोटल एसेट 164 करोड़ से बढ़कर 281 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2021 तक। दोस्तों, आप कंपनी के शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं प्रोमोटर्स ने 56.83% होल्ड किया शेयर्स और पब्लिक ने 42.06% होल्ड किया शेयर्स और FII 1.11% है। दोस्तों, कंपनी की मैनेजमेंट टीम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो उनके कस्टमर्स का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके। कंपनी की टीम में बेस्ट लीडर्स है, इसी वजह से ये कंपनी आज इतना डेवलप हुआ है। कंपनी हमेशा बेनिफिशियल सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप रख। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माय इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, अभी हमारा वेबिनार है वो आपको मंडे टू सैटरडे एवरी डे मिलेगा। आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो और एल्स कॉल कर सकते हो उस नंबर पर। तो दोस्तों, बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।